Hey guys, welcome back to my channel Exam Edict, and in this session we are going to discuss about Research Aptitude Part 7th, Variables and its Types. So this is going to be a second video of Variables and its Types, and this video is going to be presented by me, Swati Kanochya. But before that, please subscribe, like and share my channel Exam Edict. And if you are interested in my profile, तो आप यहाँ पर check out कर सकते हैं. Hey guys, welcome back to my channel, Exam Edict. So today we are going to discuss about types of variables part 2. जो part 1 है मैंने already आपको करा दिया है, जिसमें मैंने independent variable, dependent variable, intervening variable and control variable के बारे में आपको बताया हुआ है. Now हम types of variables को continue करते हैं. So पहला जो वेरिएबल है वो होगा मॉडरेटर वेरिएबल. मॉडरेटर वेरिएबल, नाउ इसका फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल मे चेंज अंडर डिफरेंट कंडीशंस. दैट कंडीशन इज द मॉडरेटर वेरिएबल. यहाँ पर मॉडरेटर वेरिएबल हम किसको कहते हैं? एक ये स्पेशल टाइप का इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. कैसा होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक स्पेशल टाइप का. जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बताया था, जिसको हम कंट्रोल करते हैं, जिसको हम चेंज करते हैं, जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, एंड उसे हम मैनिपुलेटेड वेरिएबल भी कहते हैं. नाउ जो मॉडरेटर वेरिएबल है ये बहुत स्पेशल टाइप का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो डिफरेंट कंडीशंस के अंडर में चेंज होता है. ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल मे चेंज, बट ये डिफरेंट कंडीशंस के अंडर में ही ये चेंज होते हैं. तो डैट कंडीशन इज द मॉडरेटर वेरिएबल. हम उस कंडीशन को मॉडरेटर वेरिएबल कहते हैं, जिस कंडीशन में इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप चेंज होता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज मॉडरेटर वेरिएबल. तो मॉडरेटर वेरिएबल की वजह से ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के जो भी रिलेशनशिप होते हैं वो चेंज होता है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज द फैक्टर विच इज मेजर्ड, मैनिपुलेटेड और सिलेक्टेड बाय रिसर्चर टू डिस्कवर द रिलेशनशिप ऑफ IV means independent variable with DV, that whether it modifies or not to an observed phenomenon. Okay, तो जो एक ऐसा factor होता है, so ऐसा factor जो कि एक researcher जो होता है उस factor को measure करता है, उस factor को measure करता है, manipulate करता है या फिर select करता है. ठीक है, क्यों select करता है? एक ऐसा factor जिसको मेजर किया जाता है, मैनिपुलेट या फिर किया जाता है या फिर सेलेक्ट किया जाता है बाय रिसर्चर. क्यों? ताकि वो आईवी एंड डीवी का जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कवर कर पाए. इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है, किस तरह का रिलेशनशिप है, वो डिस्कवर कर सके. जहाँ पर डैट वेदर इट मॉडिफाइज और नॉट टू एन ऑब्जर्व फिनोमेना. ठीक है, सो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ कि जो मॉडरेटर वेरिएबल होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होता है, बट स्पेशल टाइप का होता है. तो ये तो मैंने आपको बताया था पहले वाले सेशन में, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो मैनिपुलेट हो सकता है, चेंज हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है ओनली बाय द रिसर्चर. तो मॉडरेटर वेरिएबल भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पर रिसर्चर चेंज करता है, चेंज कर सकता है. क्यों चेंज करता है? मैनिपुलेट करता है, मेजर करता है, ताकि वो रिसर्चर इसलिए भी करता है ताकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के जो भी रिलेशनशिप है वो डिफरेंट कंडीशंस में चेंज होते हैं तो उसको हम देख पाएँ. ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज द एक्सट्रानियस वेरिएबल. एक्सट्रानियस वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल्स दैट मे अफेक्ट रिसर्च आउटकम्स but have not been adequately considered in study are termed as extraneous variable. Extraneous variable से आपको पता चल रहा है that it is something कि वो बहुत कुछ extra है ना. Variables that may affect research outcomes
बट हैव नॉट बीन एडिक्वेटली कंसिडर्ड। तो रिसर्चर किसी भी एक्सपेरिमेंट में इसे कंसीडर नहीं करता है, ठीक है, इसे कंसीडर नहीं करता है, बट इस वेरिएबल की वजह से, बिकॉज ये एक्स्ट्रा होता है, तो इस वेरिएबल की वजह से जो रिसर्च का जो आउटकम है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। आपने सोचा कुछ होता है आउटकम के बारे में कि ये आएगा हमारे रिसर्च का आउटकम, एंड आउटकम ही आपका दूसरा आता है, तो यहाँ पर जो रिसर्च आउटकम है दैट कैन बी अफेक्ट। एक्स्ट्रानियस वेरिएबल मतलब कि एक्स्ट्रा, जो कि आउटकम पे असर डालता है, अफेक्ट करता है, जिससे कि आपका रिसर्च का जो रिजल्ट है, जो आउटकम निकलता है, वो कुछ अलग ही आता है। नाउ मूविंग ऑन कन्फाउंडिंग वेरिएबल, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कन्फाउंडिंग वेरिएबल इज दिस इज़ अ वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंसेस बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कॉजिंग अ स्पूरियस एसोसिएशन। इट इज़ नॉट डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ कोरिलेशन और एसोसिएशन। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वेरिएबल में बताया कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के जो भी रिलेशनशिप होते हैं उसको डिटरमाइन करता है रिसर्चर, ठीक है, मॉडरेटर वेरिएबल से। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के बीच में, जो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको डिस्क्राइब नहीं करता है, बट ये इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है, राइट। द सेकेंड पॉइंट इज रिसर्चर मोस्टली फेल टू कंट्रोल। इस वेरिएबल को जो रिसर्चर होता है वो कंट्रोल करने में फेल हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है। यहाँ पर रिसर्चर मोस्टली फेल टू कंट्रोल, राइट, एंड ऑल्सो इट इन्फ्लुएंसेस बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कॉजिंग स्पूरियस एसोसिएशन। नाउ थर्ड पॉइंट इज इट डैमेजेस द इंटरनल वैलिडिटी ऑफ स्टडी एंड प्रोड्यूस यूजलेस रिजल्ट्स। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो वेरिएबल होता है, कौन सा वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, कन्फाउंडिंग वेरिएबल जो होता है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो एसोसिएशन है उसको अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, सो उसकी वजह से जो रिजल्ट आता है, जो आउटकम निकलता है, वो भी बहुत अनएक्सपेक्टेड सा होता है, यूजलेस रिजल्ट प्रोवाइड करता है ये। तो जो आपकी स्टडी है, जो रिसर्च आप कर रहे होते हो, उसका जो इंटरनल वैलिडिटी होती है, जिससे कि आप समझते हो कि एक नॉन बायस्ड रिजल्ट आएगा, बट वो यूजलेस रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यूजलेस रिजल्ट ही आपको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज इज़ वन वेरिएबल, वेट लॉस इज अनदर, एंड एज एक नेक्स्ट वेरिएबल है, राइट। सो एक्सरसाइज जब आप करते हो दैट इज कॉज, ओके, दैट इज कॉज, ये हो गया आपका आईवी, दिस इज आईवी, बिकॉज ये कॉज हो रहा है, एक्सरसाइज आप कॉज कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो दिस इज आईवी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्सरसाइज करने से आपका वेट लॉस हो रहा है, दैट इज डीवी, एक्सरसाइज करने से इफेक्ट हो रहा है ना, वेट लॉस हो रहा है, दैट इज द डीवी। नाउ वेट लॉस का एज से कुछ कनेक्शन है, किसी भी एज का पर्सन होगा, किसी भी एज का इंडिविजुअल होगा, तो उसका वेट लॉस होगा। कोई भी इंडिविजुअल एक्सरसाइज करता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो उसका ऑफकोर्स वेट लॉस होगा। सो यहाँ पे जो एज है वो आप देख रहे हो कि एक स्पूरियस एसोसिएशन उसने बना दिया है, ठीक है, इस वाले वेरिएबल ने, कन्फाउंडिंग वेरिएबल ने, जिससे कि आपका जो रिजल्ट है वो यूजलेस रिजल्ट निकल के आता है। एज का कोई भी अगर ओल्डर एज में होगा तो वो एक्सरसाइज का उसको कम करेगा ना, कोई भी एक्सरसाइज होगा वो कम करेगा, बिकॉज अगर वो ओल्डर एज में, उसका वो इतना फिजिकली फिट नहीं होगा, तो यहाँ पर जो एज है वो कहीं ना कहीं एक कन्फाउंडिंग वेरिएबल ही है, राइट। नाउ मूविंग ऑन, लेटेंट वेरिएबल्स, अ वेरिएबल दैट कांट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड। ऐसा वेरिएबल जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, बट वो इन्फर करता है, इंटरफेयर करता है, बट आर रादर इन्फर्ड फ्रॉम अदर वेरिएबल्स दैट आर ऑब्जर्व। जो भी
वेरिएबल्स हमें दिखते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो इस बट ये जो लेटेंट वेरिएबल है ये ऑब्जर्व हम इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि लेटेंट वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है हमारे रिसर्च में, राइट? ऐसा वेरिएबल जिसको डार्ट कांट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, हम इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अच्छा, जो लेटेंट वर्ड है उसे हम लैटिन में हिडन कहते हैं, लैटिन में हम हिडन कहते हैं, हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। तो ऐसा वेरिएबल जो कि छुपा हुआ होता है, ठीक है, हिडन होता है, दैट कांट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, लेकिन ना तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं डायरेक्टली, ना तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो इंटरफेयर करता है, इन्फर करता है, ठीक है, किसी भी रिसर्च में, जो कि ऐसे वेरिएबल्स के थ्रू करता है जो कि ऐसे जो कि दिखते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट? एग्जाम्पल, प्रोडक्ट सेलिंग, अगर कोई भी इंडिविजुअल है अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है एंड उसको हायर रेवेन्यू मिलेगा, तो ये क्या हो गया? आईवी हो गया, बिकॉज आप कॉज कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो ये आईवी हो गया, हायर रेवेन्यू आपको मिल रहा है, यानी प्रोडक्ट सेलिंग से आपको क्या इफेक्ट हो रहा है? हायर रेवेन्यू, यानी कि ये डीवी हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। एंड हैप्पीनेस, आपको हायर रेवेन्यू से क्या मिल रहा है? हैप्पीनेस हो रहा है आपको, आपको हैप्पीनेस हो रहा है, तो हैप्पीनेस कांट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, हैप्पीनेस को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, ना तो आप मेजर कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं इसने हायर रेवेन्यू के थ्रू, प्रोडक्ट सेलिंग के थ्रू, इन वेरिएबल्स के थ्रू इंटरफेयर किया, राइट? इसके थ्रू एंड हायर रेवेन्यू के थ्रू इंटरफेयर किया इसने, ठीक है। तो प्रोडक्ट सेलिंग आपने किया, ये भी दिख रहा है, ऑब्जर्व आप कर सकते हो, हायर रेवेन्यू दूसरा वेरिएबल है, इसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बट ये ऑब्जर्व नहीं हो सकता है, हैप्पीनेस ऑब्जर्व नहीं आप डायरेक्टली कर सकते हो, ना तो मेजर कर सकते हो कि आप कितने हैप्पी हो। सो लेटेंट वेरिएबल्स जो होते हैं वो हिडन होते हैं, आपको ये याद रखना है कि लेटेंट जो वर्ड है उसको लैटिन में हिडन कहते हैं, ऐसा वेरिएबल जो कि हिडन रहता है, छुपा हुआ होता है, बट उसका इफेक्ट होता है, वो इंटरफेयर करता है, एंड जो भी वेरिएबल जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उनके थ्रू ये इफेक्ट करता है, राइट? नाउ मूविंग ऑन, कंपोजिट वेरिएबल। सो ये आज के हमारे सेशन का लास्ट वेरिएबल है, इसको प्लीज़ अच्छे से समझिएगा, कंपोजिट कंपोजिट वेरिएबल। आ वेरिएबल डैट इज मेड बाय कंबाइनिंग मल्टीपल वेरिएबल्स इन एन एक्सपेरिमेंट। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम जब मल्टीपल वेरिएबल्स को कंबाइन कर देते हैं, सो दीज वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन रिसर्चर एनालाइज डेटा, नॉट व्हेन ही मेजर इट। जब रिसर्चर डेटा को एनालाइज करता है, ठीक है, तब ये क्रिएट किया जाता है, तब ये क्रिएट किया जाता है, जब रिसर्चर मेजर करता है, जब मेजर करता है तब क्रिएट नहीं होता है, जब आउटकम निकलने वाला होता है एंड आउटकम के पहले जब डेटा एनालिसिस होता है, हम निकलने के पहले जब रिसर्चर डेटा एनालिसिस करता है, तो तब उस ड्यूरेशन में इस वेरिएबल को कंबाइन किया जाता है, ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल्स को कंबाइन किया जाता है। सो कंपोजिट का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो कंपोज्ड हो, ये कंपोज्ड वर्ड आप याद रखिए। सो कंपोज्ड का मतलब जो कि गठित हो, जो कि बना हुआ हो, ठीक है, मिक्सचर हो किसी चीज़ का, जैसे कि कंपाउंड आप समझ लें, ठीक है। सो जो वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जो कि मल्टीपल वेरिएबल से बने हो, कंबाइन हो के, सो दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज कंपोजिट वेरिएबल। नाउ दीज वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन रिसर्चर एनालाइज डेटा। जब डेटा एनालाइज किया जाता है, जब डेटा को एनालाइज करते हैं हम, तब ये क्रिएट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर इंडिविजुअल वेरिएबल्स। तो जब हम कोई भी दो या दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स होते हैं, इंडिविजुअल अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, जब उनको कंबाइन करते हैं, तब इनको ये बनते हैं, ठीक है, इनको बनाया जाता है।
सो जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं उनको हम इंडिकेटर्स भी कहते हैं, इनको हम इंडिकेटर्स भी कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इंडिकेटर्स आप किसको कहेंगे। सो जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं उनको हम इंडिकेटर्स भी कहते हैं। सो कंपोजिट वेरिएबल है ये क्रिएट किया जाता है बाय कंबाइनिंग टू और मोर वेरिएबल्स इनटू अ सिंगल वेरिएबल। जब हम इनको कंबाइन करके एक वेरिएबल बना देते हैं, एक सिंगल वेरिएबल बना देते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पोजिट वेरिएबल। सेकंड पॉइंट इज आर यूज्ड टू मेजर मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट्स दैट आर नॉट इजिली ऑब्जर्व। रिसर्चर जब इजिली ऑब्जर्व्ड नहीं कर पाता है तो यहाँ पर ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट्स को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग आइडियाज़ को, अलग अलग फैक्टर्स को मेजर करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो ये रहा आज का सेशन मेरा, टाइप्स ऑफ वेरिएबल पार्ट टू। सो अगर आपने मेरा पार्ट वन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स का नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर उसको पहले देख लें, तब आपको ये सेकंड वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड मैं ट्राई करूँगी कि आपको फीडबैक दे सकूँ तेरे, बिकॉज आने वाला जो मेरा अपकमिंग वीडियो होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हाइपोथेसिस पे होने वाला है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस पे होने वाला है, एंड बहुत इजी लैंग्वेज में होगा। सो प्लीज़ उसे देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माई चैनल एग्जाम एडिक्ट।